आज सुबह आठ बजे मैं आराम से बिस्तर पर सो रहा था, तो 5-6 लोग आए और बोले सपन श्रीवास्तव है, तो मैं मिसेज बोली नहीं, वो बाहर गया हुआ है, क्योंकि कल दोपहर से मेरे हमारे घर पे लोग आ रहे हैं बार बार, पूछ रहे हैं श्रीवास्तव कौन, हमसे पूछते हैं नाम क्या है, ये है अननोन कुरियर वाला बोल के आते हैं। तो हमको कुछ शक हुआ कि शायद मैंने आईटीआई लगाया है, कोई मेरे जान पे हमला करने वाला होगा, तो मैंने बोल दिया क्योंकि हमारा नाम किशोर श्रीवास्तव है। तो वो लोग गए, लेकिन वो लोग अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे कि ना वो पुलिस वाले हैं कि क्या है। आज सुबह 8 बजे 5-6 लोग आए, बोले कि आपके खिलाफ ना ICCI में ना कंप्लेंट किया हुआ है और आपके घर की हम तलाशी लेने वाले हैं, गिरफ्तारी करने वाले हैं। तो हमारे घर वाले घबरा गए, तो हमने बिस्तर हटाया, ये हटाया और अपने कंप्यूटर वगैरह उनको दिया, आप जांच कर लो। तो उन्होंने मेरा ID खोल के मेरे ईमेल ID का स्नैपशॉट लिया। अच्छा, कि जो जो मैंने ईमेल किया है कि ICCI जो गलत काम कर रही है और जो मैंने गवर्नमेंट को कंप्लेंट किया है। अच्छा, और उसके बाद 2-3 घंटा बैठे हैं, उसके बाद फिर हमारा क्योंकि यहाँ पर हमको डोंगली पुलिस स्टेशन लेके आए और फिर अपना स्टेटमेंट तैयार किया और स्टेटमेंट दिया, और अभी हमारा सामान कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड जो जो मैं ईमेल में यूज़ किया था करता था तो उनके पास, तो वो लोग ने अपने पास ना जांच के लिए ना जब्त कर लिया। अच्छा, और मैंने कभी इनकार नहीं किया कि मैं ना ईमेल की ना मैंने ईमेल किया नहीं, तो अब लेकिन मैंने कंप्लेंट मेरे ईमेल से किया था, तो इसीलिए मुझे IT Act 66A में गिरफ्तार करने की कोशिश हो सकती है, हो रही है, और मेरे खिलाफ FIR IT Act में FIR हो चुकी है और कंप्लेंट किया है प्रीति नहार ICT प्रोडेंशियल, और मैं उसका एक कस्टमर हूँ, मैंने उससे पॉलिसी ली है, मेरी गलती सिर्फ इतनी है मैंने उनसे ये पूछा कि आप जो प्लान बेच रहे हो वो प्लान का मुझे आप अप्रूवल सर्टिफिकेट दिखाओ जो मैंने लिया है। अच्छा, बस ये सब उसी का खेल है कि वो चाहते नहीं है कि इसकी जाँच हो और मुझे ना इससे हटाने की कोई साजिश है।